बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे होने, खुद को इस वायरस से बचा रहे होने। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि पॉपुलेटेड एरियाज में बिल्कुल ना जाए, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना जाए। हर 20 मिनट में आप हैंड वॉश कीजिए और जितना हो सके नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए। बात करती हूँ मैं आज के व्लॉग की। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ प्राचीन कृषि, जो आज भी मेरे गांव में जिंदा है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मेरे गांव में आज भी प्राचीन कृषि द्वारा हम खेती बाड़ी करते हैं, कैसे हम यहाँ पे बिजाई करते हैं प्राचीन कृषि द्वारा, और ऐसी बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग बातें मेरे गांव की कृषि से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आपको मेरे गांव की कृषि और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में। हे दोस्तों, मैं जा रही हूँ खेत। देखिए मेरे गांव का ब्यूटीफुल व्यू, और यहाँ देखिए गौ माता जी को सुबह सुबह बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ पर देखिए कैसे भेड़ बकरियों को चुगा रहे हैं खेतों में। और दोस्तों, जो आपको ये कंधे में चक्कर दिखा रहे हैं, इसको स्टाल बोलते हैं। अब मैं दिखाऊंगी कैसे इस ताल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये तेते जी है जो हल लगा रहे हैं, जो उस ताल का यूज कर रहे हैं, और जो गले के बैलों में जो आपको लकड़ी का फट्टा सा दिख रहा है, इसको शकोल बोलते हैं, जो बैलों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने में हेल्प करता है। और दोस्तों, ये बहुत पुरानी तकनीक है जो आज भी हम यूज करते हैं यहाँ पर कृषि करते टाइम। किन्नौर में आलू दो तरीके से बीजा जाता है। एक तो वो जब हम खेत पहले पूरा खोद देते हैं, उसके बाद हम बीज डालते हैं। एक ये वाला तरीका है, जब जब हल जोतते हैं तो साथ साथ हम यहाँ पे आलू भी बीजते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बीजते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आलू के बीज यहाँ पे लाए हैं, और इसमें से कुछ आलुओं को पीस किया हुआ है। वो इसलिए कि आलू साइज में काफ़ी बड़े हैं, तो उनको दो पीसीज में किया हुआ है। और ये देखिए अब तरीका कि कैसे आलुओं को हल जोतते टाइम साथ साथ लगा रहे हैं, और आलू को एक सेम डिस्टेंस में लगा रहे हैं, आफ्टर सेम डिस्टेंस में ये इस तरीके से लगाया जाता है। जब हल लगा रहे होते हैं तो साथ साथ आलू को इस तरीके से बोया जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पे बीज लगाया है, हल लगाने के बाद इस तरीके से उनको ढका जाता है मिट्टी से, ताकि बीज ऊपर ना रहे आलू के। जब आप हल लगा रहे हो तब और दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे खोदा जा रहा है खेत को।
ये देखिए नीचे मोहित भाई है, ये भी मैकेनिक कर रहे हैं। भाई देख तो सही। और ये मम्मी है, ये सफाई कर रहे हैं खेत की। जो उनके हाथ में जो ये औजार है इसको हम श्वाट बोलते हैं, जिससे हम सफाई कर रहे हैं खेत की। और देखिए दोस्तों, मैं भी खेत में काम कर रही हूँ, मोकैमिक कर रही हूँ। मैं जो मैं ये काम कर रही हूँ जब्बल के साथ, इसको मोकैमिक करना बोलते हैं किन्नौरी में। जहाँ हम हल नहीं लगा सकते हैं उन खेतों में हम इस तरीके से खोदते हैं। और खेत खोदने के बाद एक दो दिन बाद इस तरीके से सफाई की जाती है, जो ये खरपतवार है इनको हटा दिया जाता है खेतों से। देखिए दोस्तों, हम खेत खोद के फारिक, हमने तैयार कर दिया है खेत खोद के, अब हम घर जा रहे हैं। और ये देखिए चुल्ली का पेड़ फ्लावरिंग हो चुका है, फ्लावरिंग सीजन शुरू हो चुका है मेरे गांव में, तो सब कुछ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये शाम के 6 बज चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, सनसेट अभी हुआ नहीं है। और जो ये आपको दोस्तों देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, ये बहुत पुराने देवदार के पेड़ है। और यहाँ के लोगों की तो ये मान्यता है कि ये उस टाइम के पेड़ है जब उषा माता जी कैलाश से भ्रमण करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने देवदार के कुछ बीज यहाँ पर छोड़ दिए थे, तो ये वो पेड़ है। और दोस्तों इन पेड़ों की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा लंबे है। सूरज ढल चुका है अब और मैं घर पहुंच गई हूँ। दिन भर में डायमंड से मिली नहीं, देखिए कैसे खुश हो रहा है जब मैं घर जा रही हूँ। तो लोगों ने देखा कि कैसे मेरे गांव में आज भी प्राचीन कृषि जिंदा है, कैसे मेरे गांव के किसान आज भी प्राचीन तकनीकी का उपयोग करके खेतीबाड़ी करते हैं, खेतों में बीजते हैं। जहां पे हम हल नहीं लगा पाते हैं वहां पे हम खुदाई करके बीजते हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं पे आलू बीज रहे थे, कहीं पे सिंपल खोद रहे थे। तो जो सिंपल खुदाई होती है मार्च के महीने में, हम दो तरीके से खेत बीजते हैं फसलों को। एक तरीका तो है कि आप खेत को पहले ही खोद के रखते हैं, उसमें जो खरपतवार उगे होते हैं उसको सूखने देते हैं, बाद में सफाई करके आप बीज बोते हैं उसमें। और दूसरा है कि आप हल लगाते हैं जब, तो साथ साथ आप बीज बोते हैं। इसमें आपने देखा होगा आलू में कि हल लगाते टाइम साथ साथ यहाँ पे आलू बीजा जा रहा था। तो ये सब तरीके हैं यहाँ के कृषि करने के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नई बातों के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है अलविदा। बाय बाय।